तो प्राचीन शहर बनारस के अंदर अपनी पुरानी सभ्यता को संभाले हुए आज भी सब कुछ बदल गया है, बिल्कुल नए नए तरीके से विकसित हो चुका है, लेकिन आज भी वो पुरानी सभ्यता को संभाल के बैठा हुआ है बनारस। बहुत बहुत बढ़िया पावन शंकर भगवान जी की पावन नगरी में हमारे को आने का अवसर मिला, बहुत बहुत शुक्रिया भगवान शंकर का। तो दीपक मम्मी को लेके आ रहा है, इसमें बनारस की गलियों में जा रहे हैं, हम घाट पे जा रहे हैं इसमें शाम के टाइम पे, मेन चौक। तो ये बनारस का मेन चौक है, इसको क्या कहते हैं, इसके नाम क्या है, गदौलिया है। खूब क्राउड है यहाँ पे, खूब रश हुआ पड़ा है। देखिए नंदी बैल बैठे हुए हैं, ये है चौक है मेन, घाट से आने वाले पहले, घाट से पहले ये चौक आएगा। ये देखिए कुछ खाओगे क्या, क्या खाना यहाँ पे, क्या फेमस रहेगा यहाँ पे, और अपने आप को बच्चे से बचाते हुए निकलते चलो, क्योंकि यहाँ पे क्राउड बहुत है, बहुत रश है, और आगे तो और ज्यादा है जबरदस्त। ये बैरिकेड है, बैरिकेड के बाद तो और ज्यादा क्राउड है। एयरिंग्स, तो यह शनि शांतिकेश्वर महादेव मंदिर, और शालू को यहाँ पे इयरिंग्स देखने हैं, वो इयरिंग्स देख रही है शालू। हाँ लेकिन इतने जच नहीं रहे, क्योंकि बहुत ज़्यादा भारी लग रहे हैं, बड़े लग रहे हैं, बहुत बड़े लग रहे थे मेरे को, तो नहीं समझ रहा है बाकी देख। उसमें शालू इयर रिंग्स ले रही है, पसंद कर रही है, शायद से पसंद आ जाए कोई। अच्छा 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 बंद हो गया, इधर तो जाने का खाली है ना, ये है काशी विश्वनाथ मंदिर जाने का रास्ता, और एक रास्ता दूसरा भी है लेकिन वो बंद हो जाएगा। घाट से नहाइए, नहा के सीधे मंदिर। अच्छा घाट पर नहाइए, सीधा मंदिर में चलिए, आइए आइए आओ। अभी तो हम घाट, अभी तो हम घाट पे जा रहे हैं ना, मंदिर जाना है, मंदिर घाट पे जाना है। टिकट बुकिंग दर्शनों की, और यहाँ पे जो टिकट की बुकिंग है वो है 180 पर पर्सन, 300 पर पर्सन और 350 पर पर्सन। तो यहाँ से आप अपने दर्शनों के लिए टिकट बुक करा सकते हैं, ताकि आपको VIP दर्शन हो जाए और आपको किसी तरह के भीड़ भाड़ का सामना ना करना पड़े। हम घाट पे पहुँच गए हैं, और ये घाट पे खूब रश हुआ पड़ा है और बहुत मुश्किल हो रहा है। ये घाट का हाल है, खूब रश हुआ पड़ा है, और ये आरती हो रही है इसमें। क्योंकि हम आगे नहीं निकल सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश है। घाट पे, गंगा घाट पे आरती हो रही है। मम्मी और मैं नाव पे बैठने के लिए आ गए हैं, जहाँ से आरती आराम से हमें दोनों को दिख जाएगी, तो हम यहीं पर बैठ कर आरती देख रहे हैं। तो मम्मी कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है, लोगों की भीड़ है, इकट्ठे से आरती हो रही है। हाँ हाँ, बच्चे ले आए हमारे को दर्शन करवा रहे हैं। और क्या, मम्मी ने भी तो हिम्मत करी है। हाँ, बोले बाबा ने भी करी है। और क्या, कृपा करी है, बुला ला है, गंगा आरती देख रही
भी नहीं मिल रहा और बात भी नहीं हो पा रही है, तो मुझे लग रहा है अभी हमें सीधा होटल में जाके इनसे मिलना पड़ेगा। हाँ इधर से निकलते हैं, ये लोग भी वेट कर रहे होंगे। गंगा घाट पे जो है ये बनारस में जैमर लगा दिए गए हैं सुरक्षा को देखते हुए, ताकि मतलब किसी पर अनहोनी ना हो पाए, तो ये जैमर लगा दिए हैं। फ़ोन मिलना मुश्किल हो जाता है, नेट बहुत मुश्किल से आते हैं, नेट नहीं आते। तो मम्मी को ये हेल्प कर रहे हैं, ये अपने बाइक पे लेके जा रहे हैं। ये बाइक कहाँ घूम रहे हैं? बड़े यहाँ पर लोग सेवा भाव गए हैं। भैया थोड़ा सा छोड़ दो, मम्मी चल नहीं पा रही है, तो गए छोड़। मम्मी को चलने में बहुत दिक्कत हो रही है इसमें, तो बहुत बहुत शुक्रिया भोले बाबा की। पावन नगरी में लोग बहुत हेल्प करने वाले भी हैं, जो हेल्प कर रहे हैं हमारी, वो मम्मी को लेके जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई गाड़ी आ नहीं सकती और जा नहीं सकती। यहाँ पे गाड़ियाँ का आना जाना मना है, सिर्फ दोपहिया वाहन आ सकते हैं, टू व्हीलर्स आ सकते हैं ओनली। तो फिर वो हेल्प करके हमारी लेके जा रहे हैं मम्मी को, तो वहाँ तक लेके जाएंगे जहाँ पे हमारे को फोर सीटर मिल जाए, या फिर कार मिल जाए, या फिर वो कैब मिल जाए, या फिर किसी भी तरह की कोई सुविधा मिल जाए जो होटल तक ले जाने की। हमारे तो आएगी आपका, हमें अब यहाँ से कोई देखते हैं ई रिक्शा मिलता है कुछ मिलता है। हाँ थोड़ा सा बैठ जाओ, आराम से पानी पी लो। मक्को जी हमें मिल गए, दर्शन भैया हमारे को मिल गए, हमें दर्शन मक्को जी के साथ में हो रहे हैं। अरे वाह वाह वाह, हमारी खुश नसीबी। बाई चांस हमारे नेबर हमारे को मिल गए थे यहाँ पे, ये अभी देखो कोई इंसिडेंट नहीं है कि सामने से जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि मैं अपने घर के पास में घूम रहा हूँ, बिल्कुल बहुत मुश्किल होता है कभी ऐसे, कोई और कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। सही बात है, मैंने यहाँ से शॉपिंग कर रही है। शॉपिंग में क्या क्या लिया तुमने? मैंने टॉवल ले लिया, बेडशीट ले ली है, टॉप शीट्स ले ली है। अच्छा, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा ना होटल्स में अनहाइजीनिक सा और फील होता है, और मेरे लिए ये प्रॉब्लम थी कि मैं इस बार अपने साथ कुछ कैरी नहीं करके लाई हूँ, तो इसलिए मैं आप शॉपिंग के लिए आई हूँ। और शॉपिंग करके अब जा रहे हैं हम लोग। ये यहाँ की फेमस शॉप है ये भी? हाँ ये यहाँ की फेमस शॉप है, क्योंकि हमें पीछे से किसी ने बोला कि आप झारना झारना है ना, तो ना जलांस जलांस पे ही जाके लीजिएगा, तो वो यहाँ वाराणसी की फेमस शॉप है। हैंडलूम है, इनके पास बहुत अच्छी वेरायटी है। दिल्ली से? बहुत लोग आते हैं दिल्ली से। नहीं है, आपके पास वैरायटी बहुत है। वैरायटी है, सबसे बड़ी बात कि एक दाम की दुकान है पूरी बनारस में। अच्छा, अच्छी बात है। हमें पीछे से सब बोलते जा रहे थे, बच्चा भी आएगा आपका तो समझ लीजिए आपको उसी रेट में मिलेगा, चाहे बड़ा। ऐसी शॉप अच्छी रहती है ना, इनका बिहेवियर भी बहुत अच्छा है, जो डील करने का तरीका भी बहुत अच्छा है इनका। थैंक्स। तो हम चलते हैं, बस शॉपिंग हो गई है और हम होटल से होटल की तरफ रवाना होते हैं अपने। तो ये यहाँ से बाइक लेके मम्मी को छोड़ने जा रहे हैं। मम्मी को चाय पीनी है लक्ष्मी वाले की, तो ये वहाँ जा रहे हैं मम्मी को लेके, क्योंकि मम्मी बिल्कुल नहीं चल पा रही हैं। तो मम्मी अब बैठ गई हैं और लक्ष्मी चाय वाले पे जा रहे हैं हम चाय पीने। मम्मी का बहुत मन था वहाँ जाने का, तो हमने कहा चलो बाइक तो हमें मिल गई थी, तो हम उनके बाइक पे इन्हें मम्मी को लेकर जा रहे हैं। मम्मी बैठ नहीं पा रही हैं, और मम्मी को थोड़ी सी ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे थोड़ा सा कहीं ऊँचे सी जगह हो। चलो बैठो मम्मी। छोड़े मम्मी को राइडिंग तो बहुत जगह करी है, मतलब ऑलमोस्टली ऑल ओवर इंडिया में करी है राइडिंग, लेकिन जो बनारस में राइडिंग की है स्प्लेंडर में राइडिंग की है। हाँ अलग है ना, क्योंकि रश बहुत है। वो मम्मी को बिठा के करना तो बहुत ही कठिन है। चलो चलो अभी बिठाता हूँ जा, मैं पहुँचती हूँ। लक्ष्मी चाय वाले पे जा रहे हैं, देखो इन्हें जहर दो जुबत करके हम लक्ष्मी चाय वाले के पास जा रहे हैं चाय पीने के लिए। मम्मी को एक जिद लगी थी कि लक्ष्मी चाय भी चाय पीनी है, लक्ष्मी चाय भी चाय पीनी है, तो लक्ष्मी चाय पीते हैं।
यह लक्ष्मी चाय वाले और इनका स्पेशल प्रिपरेशन है, इनकी अपनी ब्रेड बनती है और ये अपने ब्रेड से बनाते हैं और स्पेशल चाय बन रही है इनकी। फिर तुमने क्या ऑर्डर किया दीपक, क्या ऑर्डर किया तुमने? हाँ, इनकी अपनी ब्रेड बनती है ना। प्रिपरेशन करने का तरीका देखिए, ये भट्टी पे ऐसे सेकते हैं इसको, ऐसे कुरकुरा बनाते हैं क्रिस्पी टाइप का। स्पेशल दूध वाली चाय इनकी, ये ब्रेड है, ये अपनी खुद की ब्रेड बनवाते हैं, टेस्टी ब्रेड। तो कभी भी बनाना चाहें तो इनके पास जरूर आए। हाँ भाई, उन्होंने ब्रेड आ चुकी है और मैं बहुत अच्छा है, बहुत क्रंची है और साथ में नमकीन मसाला है, थोड़ा और टेस्ट इंक्रीज हो जाता है, थोड़ा टेस्ट बट अच्छा है। बहुत मजा आया यहाँ पे खाते, अलग ही बहुत लंबी बनाते हैं स्पेशली यहीं पर होती है और कहीं नहीं मिलती। और मैंने टी ऑर्डर किया विदाउट शुगर, विदाउट शुगर है। हाँ बोले, थैंक यू। आपको ये देखिए ब्रेड आ गई है, ब्रेड इतनी क्रंची है कि मैं उसको हाथ लगाऊंगा तो उसमें बटर निकलेगा, देखिए इसकी फीलिंग बहुत अच्छी बनाई है। सच्ची में सच्ची कह रही थी, बिल्कुल खा के देखो। अच्छा, मैं मीठा नहीं खाता, लेकिन यार मुझे मीठा पसंद है। यार थोड़ी सी मलाई खा के देखो, मलाई बहुत डिफरेंट है। देखने में लग रहा था मलाई वाला टेस्ट कहीं नहीं मिल रहा था, मलाई का टेस्ट इन्होंने दिलवाया। हाँ मुझे से कहा अच्छा टेस्ट है, कितना अच्छा लगा। सुबह हमने करनी है वोट, करनी है तो वोट के लिए बारे में बात कर रहे हैं। दोनों टाइम सुबह तो बनारस की तंग गलियों से हम निकल रहे हैं इस समय रात के टाइम, नाइट लाइफ जैसे बीच में नाइट लाइफ बनाते हैं हम लोग, रात को सोने वाले जल्दी बंदे नहीं है, इसलिए हम रात को निकल रहे हैं इसमें ब्राह्मण से, और देखते हैं यहाँ पे बढ़िया क्या मिलता है खाना खाने के लिए, क्योंकि हम लोग थोड़े से फूडी भी हैं। डिनर करने के लिए हम बाहर आए हैं क्योंकि अब 10:30 हो चुके हैं और अभी तक हमने डिनर नहीं किया है, तो बस मम्मी को बस ये हमारे होटल से थोड़ा सा बाहर निकलते साथ ही ये मार्केट शुरू हो जाती है, ये मार्केट शुरू हो गई है PDR मॉल आगे सामने। हाँ बिल्कुल, हमारे सामने मॉल है, अभी सारी मार्केट शुरू हो गई है, अभी मार्केट में आ गए और यहाँ रश से भरा पड़ा है ये बाजार में।